हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर। चंबा में खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, चार की मौत। थाना भरमौर के तहत बन्नी माता रोड पर तरेला के पास एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने ली शपथ। जस्टिस एल नारायण स्वामी ने रविवार सुबह राजभवन में हिमाचल हाईकोर्ट के 25वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई। नए चीफ जस्टिस मिले हैं और हिमाचल में इनका स्वागत है, अभिनंदन है। और हिमाचल प्रदेश में नए चीफ जस्टिस जो है वो कानून के अनुसार जो है आने वाले समय में प्रदेश का मार्गदर्शन करेंगे और मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सीएम जयराम बोले, हमारी कोशिश की कमी रह गई, हमने कोशिश की थी लेकिन हमारी कोशिश में कमी रह गई। ये बात सीएम जयराम ने आज पच्छाद सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरी बीजेपी की बागी उम्मीदवार को मनाने के संबंध में कही। मैं उसमें से इतना कहना कि हमने कोशिश की, कमी छूट गई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अधिकार का वो पालन कर रहे हैं, तो आने वाले समय में परिणाम क्या होगा वो देखेंगे। स्वां से 15 टिप्पर व 2 पोकलेन के साथ पकड़े 11 चालक। खनन माफिया की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए ऊना पुलिस ने संतोषगढ़ स्थित स्वां नदी में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने 15 टिप्परों और 3 पोकलेन मशीनों को कब्जे में लेने के साथ 11 चालकों को हिरासत में लिया है। पुलिस को संतोषगढ़ स्वां एरिया में काफी टाइम से शिकायतें मिल रही थी कि यहां पे इलीगल माइनिंग होती है। पुलिस ने प्लानिंग करके आज हमने एक टीम का गठन किया था जिसने इस एरिया में जो स्वां एरिया है वहाँ पे रेड की है। और अभी पुलिस ने तकरीबन 14-15 जो टिप्पर्स हैं, ज़्यादातर ये सारे पंजाब के हैं, उनको पुलिस ने पकड़ा है, ड्राइवर्स भी उनके हैं। इसके साथ पुलिस ने स्वां एरिया में एक और दूसरी तरफ से भी एक टीम भेजी है, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादातर कंप्लेंट ये रहती है कि वहाँ पोकलेन लगती है रात को। तो अभी 2 या 3 पोकलेन हम पकड़ी है वहाँ पे हमने, लेकिन वो ड्राइवर्स भाग गए हैं, तो उनको भी पुलिस जो है सीज करेगी। और इस ऑपरेशन को पुलिस ने बिल्कुल प्लानिंग तरीके से अंजाम दिया है और जो इलीगल माइनिंग में गाड़ियाँ लिप्त थी उनको पुलिस ने सीज की। ऊना में बैंक कर्मचारी व बीमा एजेंट बनकर ठगे 1.5 लाख। गगरेट के तहत मारवाड़ी में एक व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ बैंक कर्मचारी बनकर 1.5 लाख की ठगी का केस दर्ज करवाया है। पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट के आदेशों पर पुलिस ने मामला धारा 420 के तहत दर्ज कर लिया है। चंबा पुलिस ने बस में बैठे युवक से पकड़ी चरस। जिला पुलिस की नाकाबंदी के दौरान चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चंबा से कांगड़ा जा रही न्यू प्रेम बस में अंतिम सीट पर बैठे भरमौर निवासी सुनील कुमार के बैग से कुल 140 ग्राम चरस बरामद की है। पच्छाद उपचुनाव के लिए नाहन में पूर्वाभ्यास। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र में 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के दृष्टिगत पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों व मतदान अधिकारियों का प्रथम पूर्वाभ्यास रविवार को चंबावाला मैदान में स्थित स्पोर्ट्स हॉल में किया गया। इसमें 700 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंडी में ट्रैफिक भी नहीं रोका और टनल भी निकाल दी। कीरतपुर मनाली 4 लेन के निर्माण कार्य में मंडी जिला में पंडोह से औट तक बन रही 10 टनल में से एक 2.9 किलोमीटर की टनल के दोनों छोर समय से पहले मिलाने के बाद अब कंपनी ने दोनों टनलों के कनेक्टर समय से पहले मिला दिए। कंपनी का दावा है कि ट्रैफिक रोके बिना ये कार्य किया गया है। चूड़धार की राह हुई आसान, अब जंगल में नहीं भटकेंगे श्रद्धालु। चूड़धार के जंगलों में रास्ता भटकने के कई मामले सामने आने के बाद अब तीर्थ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत वाली खबर है। अब साइन बोर्ड श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शक बनेंगे।
पहले चरण में करीब 40 साइन बोर्ड रास्ते पर जगह जगह लगाए जाएंगे। मनाली कीरतपुर एनएच पर ट्राला व कार में टक्कर, 4 घायल। मनाली कीरतपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर नौनी चौक पर एक ट्राला व कार में टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 महिलाएं व एक बच्चा शामिल है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर, जिसमें भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने हीरे व चांदी के आभूषण और आप जीत सकते हैं लाखों के सुनिश्चित इनाम, 2.5 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, 4 दिन और 3 रातों का दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 LED टीवी, 5 वॉशिंग मशीन और अन्य ढेर सारे इनाम। और ये ही नहीं, 100% BIS हॉलमार्क आभूषण एवं 100% बायबैक गोल्ड वैल्यू और सबसे कम मेकिंग चार्जेस। ऑफर वैलिड फ्रॉम 10 सितंबर टू 14 दिसंबर 2019। भूषण ज्वेलर्स, जहां है एहसास अपने पन का। लोअर बाजार सोलन।